नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज़ अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है जो बहुत ही अच्छी न्यूज है भारत के लिए, खास करके डिफेंस सेक्टर में। दोस्तों, आपने पिछले कुछ समय से ब्रह्मोस का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, ब्रह्मोस मिसाइल, जो एक सुपरसोनिक मिसाइल है। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल को भारत ने रसिया के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर डेवलप किया है। इस मिसाइल में 50.5% भारत की भागीदारी है और 49.5% रसिया की इसमें भागीदारी है। तो दोस्तों, अभी तक क्या है कि इसमें टेक्नोलॉजी जो है वो रसिया की है। अब दोस्तों क्या है कि अभी हमने इस पे जितना भी कुछ किया है, ये कहीं ना कहीं भारत और रसिया के बीच की बात है। अभी हमने फिलीपींस को बेचा ब्रह्मोस मिसाइल, तो उस पर जो भी कमाई होनी है उस पर रसिया का भी एक हिस्सा है और एक हिस्सा हमारा है। तो दोस्तों, लेकिन अभी हम इसको पूरी तरह से भारतीय मिसाइल नहीं कह सकते, क्योंकि अभी इसमें रसिया का काफ़ी सपोर्ट है। स्पेशली अगर बात करें तो जो इसमें फ्यूल यूज होता है, रैमजेट फ्यूल, तो दोस्तों ये फ्यूल रसिया ही हमें प्रोवाइड करता था अभी तक। लेकिन भारत के वैज्ञानिक और जो हमारी एक संस्था है DRDO, उसने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, एक माइलस्टोन अपने लिए अचीव कर लिया है। इसने जो ब्रह्मोस मिसाइल में जो फ्यूल यूज होने वाला है उसकी इंडिजीनस, यानी कि इंडिया ने अपनी ही एक टेस्टिंग करी है जो सक्सेसफुल हुई है। अब वही फ्यूल ब्रह्मोस मिसाइल में यूज हो जाएगा और ये किसी भी तरीके से आप इसको फिर लॉन्च कर सकते हैं। ये दोस्तों भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उसका जो फ्यूल है, अभी तक हम रसिया पे डिपेंडेंट है, अब हम उस पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। उसके ब्रह्मोस में जो फ्यूल यूज होना चाहिए उसको इंडिया ही बना लेगा उस फ्यूल को। ये नॉर्मल ऐसे ही फ्यूल नहीं होता है जिससे हम चलाते हैं मिसाइल, उसका फ्यूल अलग होता है, उसको काफ़ी काम उस पर करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि अब हमको रसिया पे भी डिपेंड नहीं रहना, अब हम इसके लिए अपना अलग से फ्यूल खुद रेडी कर लेंगे और हम अपने आप अब इसको बेचेंगे और इससे हम कमाई भी कर लेंगे। दोस्तों, ये तो अचीवमेंट है ही है, इसके साथ ही साथ ये भारत के डिफेंस सेक्टर को भी बहुत आगे ले जाने वाली बात है। ये समझ में आता है कि भारत का जो डिफेंस सेक्टर है उस पर भारत की सरकार और भारत के वैज्ञानिक बहुत मिलकर आगे काम कर रहे हैं और इसके हमें अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि भारत एक्सपोर्ट करने वालों में अपना एक स्थान प्राप्त करेगा। इसमें अभी हमने जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल बेची है फिलीपींस को, अब दोस्तों जैसे हमने फिलीपींस को बेची है, कुछ और भी देश हैं जो इसके लिए कतार पर खड़े हुए हैं, उनको भी हम बेचेंगे। अभी तो हमने मिलियंस में कमाए दोस्तों, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब हम डिफेंस सेक्टर से ही कमाई बिलियंस डॉलर में करेंगे। ये भारत के लिए एक गौरव की बात होगी। दोस्तों, ये भारत के लिए तो अच्छी बात है ही है, साथ ही साथ अब हमें रसिया पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें मजबूरी रसिया के भी हो सकती हैं जब वो हमारी हेल्प ना करे डिफेंस सेक्टर में, एक ऐसा समय आएगा। अब दोस्तों क्या है कि जब भी हमारी बात चाइना को लेकर होती है, चाइना से जब भी हमारा स्टैंड अप होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, जो भी कुछ होता है, उस केस में रसिया हमारा साथ नहीं देता है। और रसिया, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो हथियार हैं रसिया से खरीदे हुए हैं। और सोचिए, रसिया से हम हथियार खरीदते हैं, चाइना भी रसिया से हथियार खरीदता है। चाइना का बिजनेस रसिया से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए, और उसकी बॉर्डर भी, रशिया की बॉर्डर भी चाइना से लगी हुई है, इसलिए वो रशिया कभी चाइना के अगेंस्ट नहीं जाएगा। हमारे लिए, हमारे खिलाफ़ जा सकता है ये समझ लीजिए, लेकिन चाइना के खिलाफ नहीं जाएगा। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। रशिया हमारा ऐसा सपोर्ट तो करता है दूसरे देशों को जब बात होती है, लेकिन जब चाइना की बात होती है तो पीछे हट जाता है। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि अपना डिफेंस हम खुद से संभाल सकें, हमें किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो सोचिए दोस्तों, अगर ब्रह्मोस मिसाइल, जो एक ऐसी मिसाइल है जिसको हम कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं, चाहे वो पानी से लॉन्च करना हो, चाहे वो ज़मीन से लॉन्च करना हो, या आकाश से, हर जगह से लॉन्च हो जाती है। दिन में करना हो, रात में करना हो, हर टाइम ये लॉन्च की जा सकती है। दोस्तों, ये तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, रैमजेट फ्यूल की एक विशेषता भी है,
दोस्तों इसमें क्या है कि -50 डिग्री अगर सेल्सियस भी होगा टेम्परेचर, तब भी ये फ्यूल जमेगा नहीं। यही फ्यूल हमें चाहिए होता है, क्योंकि अब सोचिए कि लद्दाख जैसी जगह जहाँ बहुत ठंड होती है, अगर वहाँ पे यूज़ करना हो ठंडी जगह पे, तो पता लगा फ्यूल जम गया तो हम मिसाइल चलाएंगे कैसे। तो इसीलिए ऐसा फ्यूल चाहिए होता है जो जमे नहीं और अपना काम पूरी मजबूती के साथ करे। तो दोस्तों ये एक बार से हमको भारत के वैज्ञानिकों को बहुत बधाई देनी चाहिए कि जो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। दोस्तों अब इससे जुड़ी हुई कोई और डेवलपमेंट आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आ जाऊँगा। धन्यवाद।